सीन कुछ इस प्रकार है कि जो कपड़े इसने स्टिच करने दिए थे ना, तो इन दुकानदारों ने बना के वो मिसप्लेस कर दिए कहीं पर, अभी वो ढूंढने में लगे हैं। मौज तो यही ले रहा भाई नई गाड़ी की। हेलो YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका विशाल शर्मा ब्लॉग्स में। तो अभी बच चुके हैं दोपहर के एक, और अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक पे, कपड़े वपड़े चेंज करके क्लिनिक पे जाना है मेरे को। पापा ने मेरे को बुलाया, पापा ने जाना है शादी में, उसके बाद मेरा दोस्त आएगा प्रशांत, उसके साथ मेरे लिए जाना है रुड़की। ये अभी मेडिसिन निकाल रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स के लिए, अपना जैकुल का साना। ये भाई साहब दवाई लेके आए हैं हमारी, और ये देखो केले में दवाइयाँ भर रखी है उन्होंने भाई साहब ने। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो प्रशांत ने उस दिन कपड़े दिए थे स्टिच करने के लिए, आज हमें उनको लेना है। तो इनको 3 तारीख को बोला था उसने लेने को, पर आज 5 तारीख हो चुकी है और यहाँ पे जाम लग चुका है फ्लाईओवर पे। अब मुझे लग रहा है वापस मोड़नी पड़ेगी गाड़ी यहाँ पर। तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो अभी लक्सर फ्लाईओवर पे पहुंचे हैं और यहाँ पे लग चुका है तगड़े वाला जाम, जो कि हमेशा होता आ रहा है, इतिहास गवाह है इस चीज का। हाँ भाई तू चले जा पहले आगे। जाम इतना लग चुका है फ्लाईओवर पे कि ये ऑटो वाला वापस मोड़ रहा है। अभी वापस मुड़ के पता नहीं जाम लगाएगा भाई। अब अभी गाड़ी मोड़नी पड़ेगी अब यहाँ से। भाई आए हैं देवबंद से, इसका नाम है ईशु। तो गाइस अभी यहीं पे लक्सर बाला वाली किराए पर रुके हैं हम जूस पीने के लिए, और भाई जूस पी रहा है बालाजी जूस कॉर्नर से। तो गाइस हम जा रहे हैं अब रुड़की वाया कुआं खेड़ा, ये रास्ता जाता है कुआं खेड़े को, ये गांव वाला रास्ता है। तो आज हम जाएंगे इस वाले रूट से और आज आपको ये वाला रूट दिखाते हैं हम। तो अभी पहुंच गए हैं गाँव में एक, इसका गाँव का नाम है कुआं खेड़ा। अपने कुछ दोस्त भी रहते हैं यहाँ पे, पर ये नाली का पानी कभी सही नहीं होगा यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है इन दोस्तों से कि नाली का पानी सही करवाया जाए यहाँ का। स्ट्रेटर जा रहे हैं और भाई इतनी तेज भगा के लेके जा रहे हैं भाई की, ये देखो ये देखो ये देखो, मौत का बिल्कुल डर नहीं है भाई। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भगाने का तरीका था। अच्छा। लेट पे लेट, लेट पे लेट होता जा रहे हैं। अब पहुंचा ढंडेरा, ढंडेरा फाटक जो ऑलवेज बंद ही रहता है, अंडरपास बनाना चाहिए सरकार को यहाँ से। और आधा घंटा खड़े रहने के बाद फाटक फाइनली खुल गई है। मौज तो यही ले रहा भाई नई गाड़ी की, और देखो सनरूफ खोल के जा रहा है ये लड़का। अच्छा छोटा बच्चा है ये, पता कि आजकल पतंग का मौसम चल रहा है, मांजा मांजा गर्दन काट सकता है। देखो पीछे देख रहा है बच्चा, ये हमें देख के स्माइल कर रहा है। हेलो करो बेटा, मुझे टाटा के जो, मुझे टाटा के जो। नहीं हेलो कर रहा है, वो शर्मा आ गया लग रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच गया रुड़की, अब जाएंगे सिविल लाइंस में, और सिविल लाइंस में जो उसने कपड़े स्टिच करने को दिए थे वो पिक करेंगे जाके। तो भाई इधर से लेगा क्या गाड़ी, इधर तो बैरिकेड लगे होते हैं और इधर पुलिस वाले रोक लेंगे, गाड़ी अंदर नहीं जाने देंगे। तो प्रशांत भाई के लगी थी हाथ पे ड्रिप, कोरोना लग रखा था, तो पुलिस वाले को कह के हम परमिशन लेके सिविल लाइंस में ले आए गाड़ी हम। भाई का नाम चला रुड़ी। अरे अच्छी थे यार वो पुलिस वाले। पुलिस वाले से बात करी और उसको कह रहा है फीमेल थी भाई, लड़का था वो, कह रहा लड़की थी। तो गाइस हम हो रहे हैं बोर यहाँ पर, और वो खड़ा है और ये तबीयत खराब भाई के लिए स्टूल लेके आया हूँ मैं। भाई साहब आप इस पर बैठो, आप पेशेंट हो थोड़ा ना, आपको तकलीफ है थोड़ी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। भाई सीन कुछ इस प्रकार है कि जो कपड़े इसने स्टिच करने दिए थे ना, तो इन दुकानदारों ने बना के वो मिसप्लेस कर दिए कहीं पर, अभी वो ढूंढने में लगे हैं, अभी ढूंढने में लगेगा टाइम। गाली क्या दे रहा भाई दुकानदारों को? तुम बता, 3 तारीख के लिए बोला था ठीक है, हम आज आए 5 में, तो गलत बात है ना, इतना टाइम लगा। बात तो गलत है, इस भाई के पहले कोट नहीं मिल रहा था, कोट मिल गया तो पैंट नहीं मिल रही है। तो ये कुछ सीन है इसका मोड गारमेंट्स का यहाँ पे ना रुड़की में सिविल लाइन्स में। 1 hour later फाइनली मिल गया जो हमने स्टिच करने दिया था, अब इसकी भैया ढूंढ रहे हैं पैंट। तो फाइनली मिल गया है हमारा सामान 1 घंटे बाद। तो भैया हम निकलते हैं यहाँ से, हो गया हमारा काम। और ये देखो रणबीर सिंह,
स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं उसने कोट पैंट के साथ, जो कि भाई याद लग रहा है बहुत। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, अब हमें लेना है, क्या लेना भाई? हमें टाई लेनी है भाई, अभी टाई लेनी है भाई को, अभी टाई लेते हैं। एक सारा भी लेना है इसको, दूल्हे का सारा। तो अब हम आ गए हैं लुइस फिलिप के शोरूम में और यहाँ से इसको टाई सेलेक्ट करनी थी ब्लेज़र के साथ की, और टाइम पास भी तो करना था कुछ भाई, तो टाई मिल गई है, अब चलते हैं। हमें जो टाई लेनी थी वो तो सिविल लाइन से मिल गई है, अभी बचा है हमारा दूल्हे का सहारा लेना है, वो जाना पड़ेगा हमें। चौक बाजार में टाइम तो बच गया, टाइम तो बच गया। तो अब हम आ गए थे जॉकी के शोरूम में, यहाँ पे इसको इनर गारमेंट चाहिए थे और सॉक्स चाहिए थी इसको, तो यहाँ से सॉक्स ली और फिर हमें यहाँ से निकलते हैं। जॉकी से भी ले लिया अपना सामान। चलो भाइयों अब निकलते हैं, अब हम जा रहे हैं रुड़की के बीटीगंज मार्केट में और वहाँ से भाई को लेना है सहरा लेना है इसको दूल्हे राजा के लिए। तो भाई बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं तो आप बताना हमारे को कमेंट करके, क्या कमियां हैं क्या है, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है गाइस, ये देखो गाइस रुड़की के गोताखोर गंग नहर में वोटिंग करते हुए, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी वाले हैं शायद। ये देखो गाइस रुड़की में गोताखोर आते हुए, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं शायद ना, आर्मी में है ये सब, ये ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे शाम के टाइम, शायद ये रेस लगा रहे हैं आपस में। सही है भाई, जय इंडियन आर्मी। बाजार में आए थे पर हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पे, अनसठ भीड़ हो रही है और हम ले नहीं रहे यहाँ से, अब जा रहे हैं सीधा गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है और जो हमें चाहिए था यहाँ पे मिला भी नहीं, वो कल को लेंगे हमारे द्वार जाके। देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, पैदल चलना भी मुश्किल हो रखा है यहाँ पे, तो भाई कम से कम 10 साल बाद आया हूँ इस मार्केट में मैं। A few moments later. फिर हम आए हैं मोमोज खाने यहाँ पे गाइस, अच्छे मोमोज बनाता है ये। क्या खाओगे तुम? मोमोज। और मोमोज आ गए, ज्यादा सता रही है आप। मैंने मंगाए अपने लिए चिकन मोमोज, ये खा रहे वेज मोमोज। तो गाइस अभी हम आए हैं शोरमा खाने यहाँ पे, सिविल लाइन शोरमा खाते हैं और ये भाई ने मंगाया है भैया क्या बोला, मलाई चाप रोल, मलाई चाप रोल। और मैन कुछ खा नहीं रहा है, मैन का पेट हो गया फुल। और मैन ने घड़ी भी ली है, एक घड़ी भी ली है इसने। तो कैसा लग रहा है आपको घड़ी लेके? अच्छा फील हो रहा है। तो आ गया हमारा चिकन शोरमा, अब खाते हैं इसको और फिर भाई की मलाई रोल भी आ रहा है और इसको खाते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई रोल खा लिया है, शोरमा मतलब शोरमा खा लिया है, अब भाई इसके बाद निकलेंगे सीधा लक्सर, एक भाई है उसको पिकअप करना है, उसके बाद निकलेंगे लक्सर। भी हो गया और भाई का पनीर टिक्का रोल आया है अब पूरे 10 मिनट बाद, और मैं खा पी के यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ तो भाई कैसा बन रहा रोल? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही टेस्टी। भाई रोल खा रहा है पनीर मलाई टिक्का रोल, और मेरा जो चिकन शोरमा था वो भी बेस्ट था, आप आ सकते हो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के नीचे आएंगे बस। चलो भाई खाना वाना खा लिया है हमने, रोल वोल खा लिया है, अब निकलना है गाड़ी की तरफ और एक भाई को उठाना है मतलब गाड़ी में बिठाना है और लक्ष्य लेके जाना है। ठीक है भाई अब मिलते हैं गाड़ी में। ठीक है भाई चलो गाइस अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं रुड़की के IIT के बैक साइड में खंजरपुर साइड में, वहाँ पे से एक भाई को उठाना है और फिर गाड़ी में बिठाना है, फिर चलते हैं सीधा लक्सर। थक गया यार शॉपिंग कर करके ना पैदल घूम घूम के मार्केट में। तो अब पहुंच गए खंजरपुर और भाई का घर कहाँ पे है हमें पता नहीं है, कौन सी गली में है? इस गली में भाई खड़ा है, भाई को उठाना है और गाड़ी में बिठाना है। तो अमन भाई को हमने यहाँ से पिक कर लिया है, अब जा रहे हैं हम सीधा लक्सर की तरफ। ये भाई अमन है, ये रहता है खंजरपुर में।
भाई अब तो कहीं नहीं रुकना रास्ते में? नहीं अब सीधा लक्सर। अब सीधा लक्सर मिलता है घर में? कोटी मंगले वाला पुनीत भाई, पुनीत सुपरस्टार देख रहे हैं भाई गाड़ी में लक्सर जाते जाते। लोहड़ी अनस्टॉपेबल, लोड चुप ही नहीं हो रहा भाई। तो गाइस फाइनली लक्सर पहुंच चुके हैं हम, और चलते हैं घर सीधा। आ गया झूले राजा जिसकी शादी है। और भाई बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई करिया शॉपिंग करिया भाई। और भाई कुछ और तो नहीं चाहिए? आपने अब कल जाना है वहाँ उसके यहाँ गोयल गारमेंट्स वाले हरिद्वार ज्वालापुर में जो शेरवान के घर के बाहर। और अभी दोस्त मिला है ये रॉयल जी में यहाँ पे लक्चर में एक, और ये यहाँ का ट्रेनर है भाई, और ये यहाँ का बेस्ट ट्रेनर है लक्सर का। अगर किसी को जिम करनी है, अगर ट्रेनिंग लेनी हो, इससे बढ़िया ट्रेनर लक्सर में हुआ ही नहीं भाई आज तक कोई। ठीक है भाई अभी भी पहुँचा हूँ घर पे, और इस ब्लॉग पे ही एंड करते हैं। भूख लग नहीं रही है, पेट पूरा फूल रखा है, तो अभी सोते हैं जाके। और इसको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।